This series is very important for the students who are preparing for NIC Milet scientist B as well as scientist A. We are covering all the previous questions from 2016 to 2022. So all the last 7 year questions we have already covered we are, we are covering all of these questions in this series. And if you like the session please subscribe to the channel and share with your friends and at the same time please install our android app from the Google Play Store. And you can also use our contact numbers That is Now, let's start. कल हमने कई सारे क्वेश्चन तो उससे हम थोड़ा सा बढ़ेंगे और कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे ठीक है तो जैसे बताया था कि मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक दोबारे से हर एक एन आई सीट के सारे क्वेश्चन है ना वो सीरीज कर रहा हूँ चलो मेजर फॉलोइंग इज द करेक्ट रेफरेंस वर्स्ट केस ऑफ क्विक सॉर्ट क्विक सॉर्ट का जो वर्स्ट केस है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी बी इसका सही आंसर है गुड आई थिंक दिस इज क्लास में कवर दिया था दिस वन ऑल्सो वी है जो टाइम कॉम्प्लेक्सटी है कल बताया भी था इफ यू चेक द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी और मैंने इस बार इस क्वेश्चन में क्या किया है कि मैंने इसका एक रेकरेंस रिलेशन है वो भी मैंने यहाँ से दे दिया है ताकि जिन लोगों ने नहीं किया तो ओबली अब यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से तो ये कंडीशन है हमारे पास ठीक है तो अगर इससे कंपैरिजन अगर आप यहाँ पर देंगे यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो यहाँ पर वन हो जाएगी और बी की वैल्यू जो है वो आपके पास टू है और यहाँ पर के की वैल्यू वन है और पी की वैल्यू जो है वो आपके पास ज़ीरो है तो कंडीशन को चेक करो पहला कंडीशन क्या है आपके पास इफ़ एज़ ग्रेटर देन बी रेस्ट पावर के तो क्या मतलब कुछ ऐसा है यहाँ पर कि आ, A की वैल्यू कितनी है आपके पास वन और बी की वैल्यू है आपके पास टू और के वैल्यू वन है तो ये कंडीशन जो है यहाँ पर फॉल्स है यानी कि पहले केस पे काम नहीं करता अब सेकंड केस में चेक करो क्या इसमें मैच कर रहा है नहीं करता तो यानी कि क्या ये थर्ड केस है क्या यहाँ पर काम करेगा बिल्कुल यहाँ पर काम करता है तो यहाँ पर पी की वैल्यू जो है आपके पास जीरो है तो यानी कि इस केस से हम लोग चेक करेंगे यानी कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास होगी एन रेस्ट पावर के वैल्यू आपके पास वन है लॉग जीरो एन तो यानी कि जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहां पर निकलेगी दैट इज के की वैल्यू आपके पास है दैट इज वन देयर फोर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज थीटा ऑफ सही आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है आई थिंक कल की क्लास में मैंने आपको समझाया भी था ठीक है तो चलो इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम था एन वेयर एन इज द इनपुट साइज गिवन बाय Uh, तो हमारे पास इस रिलेशनशिप का इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हमें यहाँ से बतानी है सो इफ़ यू चेक तो सी जो है वो इसका सही आंसर नहीं है द करेक्ट आंसर हियर इज़ ऑप्शन नंबर ए ए जो है वो इसका सही आंसर है तो समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है तो इस रिलेशनशिप को समझने के लिए हम मास्टर्स थ्योरम से भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए भी एक मास्टर्स थ्योरम अवेलेबल है और उस रिलेशनशिप को मैं एक बार पहले आपको दिखाता हूँ ताकि ये आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल रहे और उसके अलावा भी मैं सब्सक्रिप्शन से इस क्वेश्चन को समझा दूंगा तो जनरली अगर आप इस क्वेश्चन को आप देखने की कोशिश करेंगे तो एक बुक है हमारे पास सर सिमा कारू मांची आई टोल्ड यू दिस बुक तो इस बुक में आप जाएंगे ना तो ये जो इधर दिखा रहा है वो जनरली रिलेशनशिप है हमारे पास बट ये रिलेशनशिप तब है जब आपके पास वो इस फॉर्म में है ये वाली फॉर्म में है अगर रिलेशनशिप इस फॉर्म में नहीं है तब भी इसके लिए हमारे पास एक मास्टर्स थॉरम जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है और लेट मी सी अगर वो स्क्रीन पे अवेलेबल है तो वो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ ठीक है तो देर इज़ वन मोर मास्टर्स थ्योरम तो समथिंग लाइक दिस ठीक है दिस इज कॉल्ड अब्ट्रैक्शन एंड कंकरेंस रिलेशनशिप ठीक है अगर आपके पास कोई इस फॉर्मेट में है ठीक है इफ़ यू रिलेशनशिप इस रिलेशनशिप जो है इस फॉर्म में है तब भी आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को आप यहाँ से निकाल सकते हो ठीक है और इस वर्जन्स में बस हमें इस स्टेटमेंट को चेक करना है क्या ये इस कंडीशन में मैच कर रहा है यानी कि कुछ ऐसे दिखा रहा है यहाँ पर टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए टी ऑफ एन माइनस बी प्लस एफ ऑफ़ एन इस लिशिज पे आपको दिखाता है अगर सेम चीज़ को ही अगर आप चाहोगे तो इस क्वेश्चन से कंपेयर करो ठीक है सेम थिंग यू कैन चेक इन दिस सेम वन तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ए की वैल्यू जो है इधर देखोगे यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो आपके पास वन है और बी की वैल्यू जो है वो भी आपके पास वन है और एफ ऑफ एन की वैल्यू जो है वन बाई एन है तो ये रिलेशनशिप हमारा पहले से ही गिवन है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस एल्गोरिथम को भी आप यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि वो इस फेम इस फॉर्म में है और यहाँ पर बताया था कि ए की वैल्यू वन थी बी की वैल्यू भी यहाँ पर वन थी और एफ ऑफ एन की वैल्यू वन बाई एन थी ठीक है तो अब इस कंडीशन को चेक करो क्या ए ग्रेटर देन जीरो है बिल्कुल है क्या बी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है बिल्कुल सही है क्या यहाँ पर के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो आई थिंक यहाँ पर के के बारे में यहाँ पर कुछ मैंशन नहीं है ठीक है तो देन यू कैन से द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी समथिंग लाइक दिस और यहाँ पर के की वैल्यू जो है यहाँ पर कहीं पर इस फंक्शन में रिलेशनशिप है नहीं है ठीक है बट स्टिल आप फिर इन केसेस को चेक करेंगे ये कौन कौन सा केसेस हैं ठीक है जैसे यहाँ पर के की वैल्यू होगी इस केस में दैट विल बी जीरो ठीक है तो ये रिलेशनशिप जो है वो यहाँ से निकलेगा यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ठीक है एक तो ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और जो दूसरा तरीका है वो है आपके पास दैट इज योर मास्टर्स थ्योरम अब विदाउट मास्टर्स थ्योरम आई एम सॉरी विदाउट मास्टर्स थ्योरम ही आप इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं दैट इज सब्सन तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर सब्स से इस क्वेश्चन को यहाँ से समझा रहा हूँ तो लेट अस सपोज रिलेशनशिप कुछ ऐसा था कि वी हैव टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस वन बाय एन ये जो रिलेशनशिप है ठीक है तो यानी कि हमें इसकी वैल्यू को हमें यहाँ पर निकालना है यानी कुछ ऐसा बोल सकता हूँ टी ऑफ एन इज इक्वल टू जहाँ पर भी आपके पास एन था उसके जगह पर एन माइनस वन रखो तो कुछ ऐसा हो जाएगा टी ऑफ एन माइनस वन माइनस वन प्लस वन बाय एन माइनस वन प्लस वन बाय एन दैट इज ऑल्सो इक्वल टू सेइंग टी ऑफ एन माइनस टू प्लस वन बाय एन माइनस वन प्लस वन बाय एन ऐसे ही जो नेक्स्ट रेस्टेप कुछ ऐसा हो जाएगा यहाँ पर टी ऑफ एन माइनस थ्री प्लस वन बाय एन माइनस टू प्लस वन बाय एन माइनस वन प्लस वन बाय एन ऐसे ही अगर थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे तो कुछ रेश कुछ ऐसा रहेगा टी ऑफ एन माइनस के इज इक्वल टू वन बाय एन माइनस के प्लस वन फिर प्लस वन बाय एन माइनस के प्लस टू प्लस अप टू सो ऑन टिल एन तो ऐसा एक रेफरेंस रिलेशन जो है वो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ठीक है अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे इफ वी कैन से द वैल्यू ऑफ़ के इज इक्वल टू एन अगर के की वैल्यू यहाँ पर एन है तब इन सब की वैल्यूज कितनी हो जाएगी सो दैट इज़ टी ऑफ एन माइनस एन ठीक है और ये कंडीशन जो है यहाँ से आ रही है तो इनके हम एग्जैक्टली सेम वैल्यू को तो नहीं कर सकते यानी कि हम इसको माइनस वन हम लोग यहाँ से ले सकते हैं अगर इसको एन माइनस वन लेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा माइनस एन प्लस वन प्लस दैट इज़ ये प्लस था ठीक है सो यानी कि वन माइनस के दैट इज एन प्लस वन प्लस वन प्लस वन अपॉन एन माइनस एन प्लस टू प्लस वन ठीक है इस तरीके से यहाँ से चलेगा और आगे देखेंगे तो ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगा दैट इज़ टी ऑफ वन सो दैट इज़ वन बाय टू प्लस वन बाय थ्री प्लस वन बाय फोर प्लस अप टू सो वन ये जो रिलेशनशिप है यहाँ से निकलेगा तो यानी कि सबसे जो लास्ट स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को देखो कि ये रिलेशनशिप ये सीरीज जो है कौन सी सीरीज़ चल रही है वट इज विच काइंड ऑफ सीरीज ये कौन सी सीरीज जो है वो यहाँ से दिखा रही है तो यानी कि कुछ ऐसा बोल सकता हूँ कि टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू वन प्लस वन बाय टू प्लस वन बाय थ्री प्लस वन बाय फोर प्लस अप टू सो वन वन बाय एन माइनस वन प्लस वन बाय एन तो ये एक सीरीज जो है वो यहाँ पर आपके पास आ गई है और अगर इस सीरीज को देखने की कर, कोशिश करेंगे जो फॉर्मूला होगा हमारे पास दैट इज इक्वल टू लॉगार्थमिक ऑफ़ एन इसकी वैल्यू लॉगार्थमिक ऑफ़ एन आप इस वैल्यू को यहाँ से निकाल सकते हैं अब जनरली कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर हमारे सब्सिट्यूशन के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो वहाँ पर जो सीरीज के फॉर्मूलाज है वो आपको हमेशा याद होनी चाहिए अगर ये सीरीज आपको नहीं पता है तब यू कैन ट्राई सम टाइम कुछ टाइम ले सकते हो ताकि इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर पाए थोड़ा सा समझ पाए अब जैसे सेम चीज़ से मैं स्क्रीन पे भी आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ ठीक है तो सम बेसिक फॉर्मूलाज़ दैट यू शुड नो जो आपके पास इस पूरी सीरीज़ के लिए मतलब इन एग्ज़ाम्स के लिए ये कुछ फॉमूलाज हैं जो आपको हमेशा याद होने चाहिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई ठीक है तो यू कैन यूज़ ऑल ऑफ थिंग्स फॉर एग्ज़ाम्पल लोगार्थमी के फॉमूलाज आपके पास क्या है अगर नहीं पता है तो यू कैन यूज़ इट ठीक है तो जैसे अगर आपके पास पहला आपके पास लॉग ऑफ एक्स टू पावर वाई है तो हमको वाई लॉग एक्स को बोल सकते हैं ऐसे ही अगर आपके पास लॉग एन की वैल्यू लॉग टेन एन बाय बेस टेन हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं या फिर लॉग एक्स इन वाई हम लोग बोलेंगे तो इसको हम लॉग एक्स प्लस लॉग वाई बोल सकते हैं ठीक है ऐसे ही अगर आपके पास ए के पावर जो है दैट इज लॉग एक्स बेस बी यहाँ पर है तो हम इसको एक्स लॉग ए भी हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं तो बेसिकली दिजा सम जो लोकथमिक फॉर्मूलाज है ये आपको पता होना चाहिए उसी तरीके से थोड़ा सा आप जाएंगे यहाँ पर अर्थमेटिक सीरीज़ भी है ठीक है जैसे वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू सो सोन एंड तो ये वैल्यू आपके पास आएगी उसी तरीके से जियोमेट्रिक सीरीज आपके पास होनी चाहिए ठीक है वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर तो ये रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए दूसरा आपको हारमोनिक सीरीज है वो आपको पता होनी चाहिए जैसे अभी इस क्वेश्चन को जो अभी मैं तो आपको समझा रहा था वो तो आपके हारमोनिक सीरीज़ थी ये जो क्वेश्चन जो हमारे पास हुआ था वो हारमोनिक सीरीज़ थी यानी कि आपके पास कुछ ऐसा है वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाय थ्री प्लस अप टू सो वन वन बाई एन माइनस वन प्लस वन बाय एन तो ये जो फॉर्मूला है दिस इज़ हारमोनिक सीरीज़ और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो आपके पास लॉग इन आती है ठीक है तो सीरीज़ आपको हमेशा याद होनी चाहिए ताकि इस तरह क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएँ उसके अलावा कुछ और अदर फॉर्मूलाज भी हैं ठीक है तो यस आई थिंक द करेक्ट आंसर शुड बी जो वर्ड यहाँ पर क्वेश्चन में जो डाउट है वो है यहाँ पर थीटा ये है ओमेगा और तीसरा है बिग ओ तो क्वेश्चन में ना कई जगह की वैल्यूज यहाँ पर सेम है जैसे पहला ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी को चेक करोगे तो यहाँ से एक है आपके पास बिग ओ और यहाँ पर बिग ओमेगा इन दोनों में देखना है कि ओमेगा जो है वो लोअर बाउंड है और ये हायर बाउंड है और थीटा जो है वो एवरेज है और पिको जो है वो बिगर बाउंड है तो अगर इस क्वेश्चन को देखने की है कोशिश करते हैं यहाँ से तो मैं अगेन इस मास्टर साउंड को मैं यहाँ से यूज़ करूंगा तो यहाँ से अगर आप चेक करेंगे ए की वैल्यू होगी आपके पास टू बी की वैल्यू जो है वो भी यहाँ पर टू है और के की वैल्यू होगी यहाँ से वन और पी की वैल्यू जो है दैट विल बी ज़ीरो ठीक है ये वैल्यू जो है वो आपके पास इधर आ गई है तो यानी कि अगर आप रेस को देखने की कोशिश करेंगे पहला केस क्या है ए की वैल्यू जो है वो आपके पास टू होगी और बी रेस्ट पावर के की वैल्यू हो गई दैट इज टू रेस्ट पावर वन यानी कि टू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यानी कि ये वाला केस तो यहां पर होगा नहीं तो यानी कि सेकेंड केस आपके पास आएगा दैट इज ए इज इक्वल टू बी रेस्ट पावर के और फिर उसने बताया है कि पी की जो वैल्यू होगी दैट विल बी जीरो ठीक है तो यानी कि ये फर्स्ट वाला केस जो है वो यहाँ से मैच कर रहा है सो दैट मीन्स गेट दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज एन लॉग ए बेस बी दैट इज लॉग पी प्लस वन एन ये इसको रिप्रेजेंट कर सबकी वैल्यू को पुट करो यानी कि एन लॉग ए की वैल्यू कितनी हो गई टू बी की वैल्यू तो बेस टू फिर लॉगरिथमिक पी की वैल्यू है आपके पास ज़ीरो प्लस वन इन टू एन यानी कि आपके पास एन लॉग एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ से निकलती है और जो यहाँ पर थीटा केस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है थीटा। अब पहले केस में समझो कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर सही है इस क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या पूछा था फॉलोइंग इज फॉल्स कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर फॉल्स है तो पहला जो है वो आपके पास अपर बाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दोनों कंपेयर करो जब भी मेरे पास एन लॉग एन है और दूसरा एन स्क्वायर है दोनों में से ब, 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 बड़ा बाउंड कौन सा है वो आपके पास एन स्क्वायर है सो एन स्क्वायर इज बिगर वैल्यू तो यानी कि ये वैलिड है ये ट्रू है यहाँ पर वैलिड रहेगा ठीक है दूसरा b इज इक्वल टू थीटा ऑफ n log n, ये भी यहाँ पर ट्रू है ठीक है क्योंकि वो थीटा केस है तो वो भी यहाँ से काम करेगा ठीक है फिर उसी तरीके से आ, देखो फिर जो है आपके पास वो ओमेगा को दिखा रहा है और ओमेगा जो है ये यहां से फॉल्स है ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर यह फॉल्स है क्योंकि इसका जो लोअर बाउंड है ना वो आपके पास एन लॉग इन ही है तो ये वाला आपके पास फॉल्स रहेगा और जो डी है वो यहाँ पर ट्रू रहेगा तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है क्योंकि क्वेश्चन में फॉल्स पूछा गया था आस्किंग वट इज़ फॉल्स ठीक है ठीक है सो सी जो है वो इसका सही आंसर होगा ठीक है ए बी और डी तीनों सही है सी इज़ रॉन्ग ओके चलो आई होप यू अंडरस्टैंड समझ आया होगा आपको आगे बढ़ते हैं फॉर द गिवन रेकरेंस रिलेशन ये आपके पास एक रेकरेंस रिलेशन यहाँ पर गिवन है ठीक है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको यहाँ से बतानी है प्लीज ट्राई एंड गिव द आंसर हेयर ओके यस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है तो समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन में ना एक्चुअली यहाँ पर वो टी ऑफ एन था जो इस स्टेटमेंट में कहीं पर कुछ मिस्टेक थी यहाँ पर बाय द वे तो अगेन आप इसको मास्टर्स फॉर्म से यूज़ कर सकते हो चलो तो आप सब्सिट्यूशन से भी हो सकता है आप सब्स से समझाता हूँ क्योंकि सबसे ईजी मिले कई बार रहता है कि हम चीज़ें याद नहीं करना पड़ता तो टी ऑफ एन इज इक्वल टू टू टी एन माइनस वन ठीक है तो ये यह यहाँ पर है इधर ओके तो यानी कि अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू को निकालेंगे तो टी ऑफ एन इज इक्वल टू 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 टी एन माइनस वन माइनस वन ये वाली यहाँ पर आएगी दैट इज इक्वल टू साइन टू स्क्वायर टी एन माइनस टू ये इसकी वाली यहाँ से निकलेगी फिर नेक्स्ट टी ऑफ एन इज इक्वल टू दैट इज टू स्क्वायर इन टू टी एन माइनस थ्री यानी कि टू रेस पावर थ्री टी एन माइनस थ्री को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो टी ओ फल टू टू रेस्ट पावर के टी एन माइनस के को यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक so, uh, तो है फाइन। तो यानी कि इफ वी कैन से इफ द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू एन माइनस वन अगर के की वैल्यू माइनस वन होगी तो वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर टू रेज पावर एन माइनस वन टी ऑफ एन माइनस एन प्लस वन तो यानी कि टू रेस्ट पावर एन माइनस वन एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग टी ऑफ वन ठीक है वो इस वैल्यू को यहाँ से इधर रिप्रेजेंट करेगा ठीक है तो यानी कि एक तरीके से आ, ये जो वैल्यू हो गई दैट इज इक्वल टू टू रेस पावर एन माइनस वन और इसको मैं कुछ ऐसे ही बोल सकता हूँ टू रेस पावर एन बाई टू और ये जो टू है वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो इसको मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ टू रेस पावर एन यहाँ पर बोलेंगे या फिर थीटा ऑफ टू रेस पावर एन भी यहाँ पर सेम हो सकती है तो दैट इज़ वाई सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है वट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फॉलोइंग रिकर्सिव फंक्शन आपके पास एक रिकर्सिव फंक्शन है आपको इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे यहाँ से बतानी है द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी डी आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है तो समझ लेते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो रिकर्जन है ठीक है पहला जो है वो यहाँ पर कंप्यूट फंक्शन को दिया है और यहाँ पर एक कंप्यूट फंक्शन है तो यानी कि ये रिकर्जन को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि मैं इसको टी की तरह रिप्रेजेंट करूंगा तो कुछ ऐसा रहेगा कि आपके पास टी ऑफ एन इज़ इक्वल टू ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर एज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है राइट इस स्टेटमेंट को चेक करने के लिए इसको सिर्फ कॉन्सटेंट टाइम ही हासिल लगेगा अदरवाइज़ ये जो वैल्यू है हमारे पास वो होगा टी ऑफ टेन विल टेकन फॉर दैट इज़ अंडर रूट ऑफ एन तो अंडर रूट ऑफ एन रिलेशनशिप यहाँ पर आपके पास निकलेगा और जहाँ पर भी कॉन्सटेंट है कॉन्स्टेंट को मैं यहाँ से पिक ऑफ वन भी बोल सकता हूँ तो so आई प्लस की जगह पर मैंने से तो एक आपको यहाँ से पता होना चाहिए तो अगर थोड़ा क्लियरली समझेंगे तो, तो यानी कि इसकी इसको कुछ ऐसे बोल सकते हैं टी ऑफ एन की पावर वन बाय टू प्लस वन ये रिलेशनशिप यहाँ पर आपके पास आएगा तो यानी कि अगर मैं दोबारा से इस रिकर्सिव रिलेशन को निकालेंगे अगर मैं टी ऑफ़ एन बाय वन बाय टू वैल्यू को निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी दैट इज़ टी ऑफ़ एन की जहाँ पर वैल्यू थी वहाँ पर वन बाय टू और उसके साथ साथ वन बाय टू ही मैं यहाँ से यूज़ करूँगा और फिर आपके पास वन यहाँ पर आपके पास आता है यानी कुछ ऐसा हो जाएगा यहाँ पर कि जब मैं इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास जो रिलेशनशिप है कुछ इधर आपके पास आएगा दैट इज़ टी ऑफ़ एन इज़ इक्वल टू टी ऑफ़ एन रेस्ट पावर वन बाय फोर ठीक है प्लस टू को रिप्रेजेंट कर रहा है और ध्यान देना जहाँ पर भी वन बाय फोर था इसको मैं कुछ ऐसे बोल सकता हूँ दैट इज़ वन बाय टू का स्क्वायर ठीक है नेक्स्ट टाइम इसकी फिर से स्क्वायर निकालेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा यहाँ से टी ऑफ एन की पावर वन बाय टू का जो स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू क्यों निकालेंगे तो अगेन सेम वैल्यू को यहाँ से यूज़ करेंगे यानी कि टी ऑफ एन वन बाय टू का स्क्वायर की पावर भी वन बाय टू है प्लस वन रिलेशनशिप जो है आपके पास आएगा तो इफ आई पुट दिस वैल्यू हियर इस वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे तो रिलेशनशिप कुछ ऐसा होगा टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन वन बाय टू की पावर थ्री और प्लस थ्री ये रेफ्रेंस रिलेशन जो है वो इधर आपके पास आ रहा है अब इसी स्टेटमेंट को मैं आगे एक्सटेंड करूँगा सेम स्टेटमेंट को आगे एक्सटेंड करूँगा अगर आगे इसको एक्सटेंड करूँगा तो कुछ ऐसा होगा यहाँ से ऑफ़ एन इज इक्वल टू एन टी ऑफ एन के पावर वन बाय टू रेस्ट पावर के और यहाँ पर भी प्लस के इधर आपके पास ये वैल्यू इधर आपके पास आएगा ठीक है तो ये रिलेशन हो गया तो ये रिलेशनशिप है तो अब इसको चेक करो कि अब ऐसी क्या वैल्यू ले दिया जाए कि वो वैल्यू यहाँ से आपके पास यहाँ से हट जाए राइट कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो फॉर्मला थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना द प्रॉपर्टी तो मैं प्रॉपर्टी में से याद कराता हूँ आपको ठीक है क्या कि उस क्वेश्चन में उस प्रॉपर्टी को ही मैं यहाँ से यूज़ करूँगा ठीक है तो ये देखो मैंने एक प्रॉपर्टी थोड़ी देर पहले यहाँ से बताया भी था मैंने हाँ तो सीरीज पे ना कुछ फॉर्मूलाज थे हमारे पास तो ये वाले फार्मूलाज थे ठीक है ये वाले फॉर्मूलाज थे और इस फॉर्मूलाज को चेक करो कंपेयर करो कि हम जो रेफ्रेंस रेशन हमारे पास कुछ ऐसा था के टी ऑफ एन की जो पावर थी वो थी वन बाय टू की पावर के प्लस के है ना ये रेक्रेंस रिलेशनशिप था हमारे पास टी ऑफ एन का ठीक है तो समहाउ मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू ठीक है सम हाउ मुझे इस वैल्यू को वन बनाना है इस वैल्यू को मुझे वन बनाना है यानी कि एन की जो पावर है वन बाय टू रेस्ट पावर के सम हाउ इफ मतलब वी वॉन्ट टू मेक दिस वी वॉन्ट टू मेक एज वन हमें इसको वन बनाना है तो ऐसा क्या करे कि इसकी वैल्यू ये यह यहाँ से आपके पास हो जाती है ठीक है तो इसको यूज़ करने के लिए भी मैं लोकार्थमिक ले सकता हूँ यहाँ से ठीक है इफ़ आई टेक लोगार्थमिक इन बूथ द साइट्स तो अगर मैं सिर्फ इस वैल्यू को चेक करूँ इफ़ आई टेक लोगार्थमिक तो लोगार्थमिक ऑफ टू रेस्ट पावर वन बाई टू रेस्ट पावर के होगा तो यहाँ से वन बाई टू रिस्ट पावर के इन टू लॉग टू यहाँ से कुछ रिलेशनशिप जो है वो इधर आपके पास आ सकता है और यानि कि अगर मैं ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है सम हाउ uh, अगर मैं ऐसा रिलेशनशिप यहाँ पर पुट करूँगा ना तब uh, कुछ वैल्यू यहाँ से निकल सकती है ठीक है तो आई मीन टू से जो रेकेंसलेशन है जो कुछ फॉर्मूलाज हैं मैं तो कौन से फॉर्मूलाज में यहाँ से यूज़ करूँगा तो आई कैन यूज़ एक तो मेरे पास ये वाली प्रॉपर्टी है ये वाली प्रॉपर्टी की मुझे ज़रूरत होगी और मे बी मे बी आई नीड दिस प्रॉपर्टी ठीक है ये वाली प्रॉपर्टी हमें चाहिए जिससे मेरा काम हो सकता है ठीक है यहाँ पर आपके पास रिलेशनशिप कुछ ऐसा था यहाँ पर ए इंटू लॉग एक्स बी है यहाँ पर है ना तो यानी कि कुछ वैल्यूज़ को यहाँ पर ले लो अगर लोकार्थी लेंगे तो यहाँ से कुछ वैल्यू को भी यहाँ से हटा सकते हैं क्योंकि इधर भी आपके पास लोधार्थी किधर भी इस चीज़ को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं तो यानी कमिंग बैक टू द क्वेश्चन ठीक है इस प्रॉपर्टी को यूज़ करो और सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पर लिखा दूँ रिलेशनशिप को तो यानी कि जो रिलेशनशिप हमारे पास कुछ ऐसा था दैट इज़ टी ऑफ एन इज़ इक्वल टू टी ऑफ क्या हैं हमारे पासन था हमारे पास दैट इज एन रेस्ट पावर वन बाय टू रेस्ट पावर के प्लस के ठीक है ये रिलेशनशिप था तो हमें यहाँ से क्या करना था हमें के की वैल्यू को यहाँ से निकालना था तो यानी कि सम हाउ अगर मैं इस रिलेशनशिप को यहाँ से लेता हूँ ठीक है तो इक्वेशंस जो है तो ये जो रिलेशनशिप है सम हाउ

इफ़ आई टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स ठीक है इन दोनों पे लोकार्थीमिक ले लो तो यहाँ पर भी लोकार्थीम ले लिया और यहाँ पर भी आपने लोगार्थीमिक टू को ले लिया तो जिसकी वजह से आपके पास वैल्यू आएगी यहाँ से वन बाय टू रेज टू पावर के लॉग एन इज इक्वल टू वन ये रेफरेंस लिस्ट यहाँ से मिलेगी जहाँ से हम के की वैल्यू को इधर निकाल सकते हैं और यानी कि दैट मीन्स दैट मीन्स मैं इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई अप्लाई करूंगा तो कुछ ऐसा होगा लॉग इन इज इक्वल टू टू बाई वन रेस्ट पावर के ठीक है या फिर हम इसको टू रेस्ट पावर के भी हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं इस तरीके से ठीक है और अगर मुझे k के के वैल्यू को है तो अगेन वी हैव हाँ टू टेक लोगार्थमिक एक और बार मुझे लोगार्थमिक यूज करना पड़ेगा तो आई हैव टू टेक लोगाथमिक ऑफ लोगार्थमिक एन सो दैट इज लोगाथमिक ऑफ़ टू रेस्ट पावर के ठीक है और इस प्रॉपर्टी की वजह से और सब में लोकार्थमिक की जो बेस है मैं टू ही यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी के तो यहाँ पर मैं इस तरीके से के वैल्यू मेरे पास आ चुकी है ठीक है ना यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ़ के तो के की वैल्यू आपके पास क्या आएगी दैट इज़ लॉग ऑफ लॉग एन इज़ इक्वल टू के अब मुझे क्या करना है बस इसकी वैल्यू को पुट करो इसकी वैल्यू कितनी आपके पास वो है लॉग ऑफ लॉग ऑफ एन और इस जगह पर भी हम इन वैल्यूज़ को यहाँ से फॉर्मेट करो मतलब इसकी वैल्यू को यहाँ पर लिखो तो आपके जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से वन निकल जाएगी यानी कि जो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट इज लॉग ऑफ लॉग इन यानी कि डी विल बी द करेक्ट आंसर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ठीक है आई होप यू अंडरस्टैंड सो गिव दैट आंसर ऑफ द क्वेश्चन हयर दे आर लेट ए बी एन अरे ऑफ थर्टी वन इज़ एन अरे जहाँ पर थर्टी वन नंबर है कंसिस्टिंग ऑफ द सीक्वेंस फ्रॉम जीरो फॉलोड बाई अ सिक्वेंस ऑफ वंस

और सी भी गलत रॉन्ग है द करेक्ट आंसर हेयर इज़ ऑप्शन नंबर डी यानी कि फाइव तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम पूछा गया है और फिर समझते हैं कि क्या हम लोग कर सकते हैं इसके अंदर ठीक है तो मैं करीब बना रहा हूँ यहाँ से इस तरीके से बिकॉज दिसाइड कि यहाँ पर टोटल थर्टी वन लोकेशन है तो मैं कुछ इस तरीके से आपको दिखा रहा हूँ ओके सो द सेट दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग एन अरे और इस अरे के अंदर हम ए बोलेंगे और इसके अंदर टोटल थर्टी वन नंबर्स हैं यानी कि इंडेक्स लोकेशन वन इंडेक्स नंबर टू इंडेक्स नंबर थ्री फोर फाइव उस तरीके से अगर आप यहाँ पर आगे बोलेंगे तो जो लास्ट लोकेशन होगी वो आपके पास थर्टी होगी तो यानी कि टोटल यहाँ पर थर्टी वन नंबर्स हैं वो यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ओके okay? अब उन्होंने बोला है कि दैट लेट एल बी एन आर एफ थर्टी वन नंबर कंसिस्टिंग अ सीक्वेंस एक सीक्वेंस गिवन है ऑफ जीरो फॉलोड बाय द सीक्वेंस ऑफ वन ठीक है एक नंबर है और जो नंबर है दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ द सीक्वेंस ऑफ जीरोज एज वेल एज वंस जैसे सीक्वेंस आपके पास हो सकता है दैट इज जीरो 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 एक सीक्वेंस हो गया या फिर इस तरीके से होगा ज़ीरो 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 वन हो सकता है ये भी एक सीक्वेंस है ज़ीरो 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 वन वन ये भी एक सीक्वेंस हो सकता है या फिर ज़ीरो ज़ीरो वन 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 ये भी एक सीक्वेंस है यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो यहाँ पर नहीं हो सकता ठीक है ये नहीं हो सकता यहाँ पर या फिर ज़ीरो ज़ीरो वन 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 ज़ीरो वन ये यहाँ पर नहीं हो सकता क्यों क्योंकि पहले ने बोला है कि आपके पास एवरी ज़ीरोज़ हमारे पास कुछ ज़ीरो है और उसको फॉलो कर रहे हैं विद अ सीक्वेंस ऑफ वन क्या आपके पास स्टार्टिंग में सिर्फ आपके पास ज़ीरो हो और उसके बाद आपको लास्ट में आपके पास कितने भी वन हो सकते हैं जैसे इस पहले केस में आपके पास फर्स्ट वाले केस में अगर देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी वन नहीं है सारे जीरोज़ हैं नेक्स्ट वाले केस में आपने सभी जीरोज़ हैं लास्ट में वन है इस वाले केस में स्टार्टिंग में तीन जीरोज़ हैं और फिर दो वन हैं यहाँ पर चेक करो तीन जीरो ज़ीरोज़ हैं और यहाँ पर चार जीरो वन हैं तो ये वाला एक तो ये रिलेशन समझ आना चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं इसे क्या देख रहे हैं ठीक है अब इसे आगे पूछा है द प्रॉब्लम इज टू फाइंड द स्मॉलेस्ट इंडेक्स हमें स्मॉलेस्ट इंडेक्स बताना है सच दैट ए आई इज़ वन यानी कि उस जगह पर जहाँ पर ए आई की जो वैल्यू है वो आपके पास वन होनी चाहिए ठीक है जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लोकेशन है यहाँ पर ए ऑफ़ वन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर वन होनी चाहिए या फिर कुछ बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर हमारे पास ए ऑफ मे बी एलेवन है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आपके पास वन है यानी कि वो स्मॉलेस्ट इंडेक्स को हमें बताना है हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट इंडेक्स सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर क्या है सच दैट ए आई की जो वैल्यू है वो यहाँ पर वन है नाउ द वर्स्ट केस नंबर ऑफ प्रॉब्स परफॉर्मड बाय एन ऑप्टिमल एल्गोरिथम्स क्या आपके पास जो है Uh, सबसे बेस्ट एल्गोरिथम कौन सी होनी चाहिए उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो यहाँ से क्या है वो पूछा गया है अब देखो ध्यान देना जब भी हम वर्स्ट केस में देखेंगे तो वर्स्ट केस में बहुत सारे केसेस हो सकते हैं ठीक है मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको दाऊँगा दो तीन एग्जाम्पल्स दूंगा तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी ठीक है तो ऐसे समझ में आएगा थोड़ा सा वैल्यूज दूंगा तब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हो क्या रहा है इमेजिन करो कि पहली एक नंबर थी मैंने ऐसा ले सकता हूँ कि ये थ्री जीरोज़ हैं यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो वन हो सकता है यहाँ पर ज़ीरो वन वन हो सकता है यहाँ पर आपके पास वन 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 हो सकता है है ना तो ये सभी क्या हो गए ये सभी सब वंस हैं ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो जीरो वन 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 हो सकता है या फिर आपके पास कुछ ऐसा हो सकता है ज़ीरो ज़ीरो वन 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 ऐसा हो सकता है या फिर सारे वंस भी हो ऐसा भी हो सकता है है ना तो ये वाले केसेस हैं कि यहाँ पर किस तरह की वैल्यूज़ यहाँ पर हो सकती हैं ठीक है अब दूसरे केस में उन्होंने आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने कहीं पर बताया कि एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है सॉर्टेड वाली जो चीज़ है वो यहाँ पर नहीं बताई है लेकिन फिर भी अगर हम इस अलकर्थम को यूज़ करेंगे तो आप इसको लीनियर सर्च तो आप ऑब्वियसली कर ही सकते हैं क्योंकि अगर लीनियर सर्च है और डेटा अगर सॉर्टेड नहीं है तो आप इसको लीनियर सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको बिग ऑफ एन टाइम यहाँ पर लगेगा बट द प्रॉब्लम इज़ ठीक है हाँ मैं वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ आपको तो अगर मैं लीनियर सर्च लूँगा तो वैसे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो यहाँ पर बिग ऑफ एन यहाँ पर आएगी तो इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करना अगर वह लीनियर ऑफ एन की वैल्यू आपके पास पिग ऑफ वन है तो यहाँ पर अगर थर्टी वन वैल्यू तो इसकी वैल्यू यहाँ पर थर्टी वन वैल्यू होनी चाहिए लेकिन जो इस ऑप्शन से तो यहाँ पर नहीं हो सकता तो यानी कि सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पर आपके पास एक लीनियर सर्च तो आप नहीं कर सकते बट क्या कोई और ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है तो हाँ एक और है कौन सा चीज़ है वो वो पहली चीज़ ये है कि मैं यहाँ से एक तरीके से तो बाइनरी सर्च करूँ तो बाइनरी सर्च करो तब इस प्रॉब्लम को आप यहाँ पर हो सकते हैं क्योंकि दिस आर द वर्स्ट केस ऑफ प्रॉब्स परफॉर्म बाय एन ऑप्टीमल अब अभी ऑप्टीमल एल्गोरिथम नहीं होता ऑप्टीमल का मतलब क्या होता है जो कोई भी ऐसी एल्गोरिथम हो जिसने सबसे छोटी वैल्यू आपके पास निकलेगी सबसे कम टाइम जो हमारे पास लगेगा वो आपके पास ऑप्टीमल एल्गॉर्थम है ठीक है अब इस पूरे प्रॉब्लम पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे Uh, यहाँ पर भी आई डोंट थिंक सो द सेट की डेटा विल बी इन सॉर्टेड इन एनी वे यहाँ पर नहीं है बट फिर भी एक जिन ऑप्शन को यहाँ पर दिया गया है तो उसका सबसे कॉम्पलेस्ट जो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू जो है यहाँ कि शायद यहाँ पर बाइनरी सर्च यहाँ से हो सकता है तो अगर यहाँ पर बाइनरी सर्च है तो ऑब्वियसली एक सिंपल सी चीज़ क्या होती है कि हम एक मीडियम वैल्यू को निकालते हैं वी कैन फाइंड कि जो आपकी मिनिमम वैल्यू है वी कैन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू और उसके मिड वैल्यू को ले लो तो यहाँ पर मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय टू को चेक करो और चेक करो कि सबसे जो बीच बीच वाली वैल्यू है क्या वो यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है अगर वो यहाँ पर बड़ी है तो हम इसके लेफ्ट में जाएंगे अदरवाइज हम इसके राइट में जाएंगे तो यानी कि उस केस में मैं बाइनरी सर्च करूंगा और अगर बाइनरी सर्च करते हैं तो उसको टाइम कॉम्प्लेक्स अगर आप चेक करने की कोशिश करेंगे तो बाइनरी सर्च के तरीके से जो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है बिग ऑफ इन ठीक है और उस कोई केस में अगर जैसे इस केस में देखेंगे हमारे पास लॉगार्थमिक ऑफ थर्टी वन यहाँ पर निकालेंगे और उसकी हम जो एक वैल्यू हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं यहाँ से ठीक है तो आई थिंक यू कैन फाइंड टोटल आपके पास सेम वैल्यू को चेक करो लॉग थर्टी वन क्या होती है तो इसकी अगर मैं लॉगार्थमिक वैल्यू को ले लेंगे यहाँ से तो आपके पास वो फाइव को दिखाएगा ठीक है तो जो सबसे बेस्ट एल्गोरिथम है वो यही है बाइनरी तो इसी वजह से मैं इसका सही आंसर मैं डी दूंगा सो दैर इज़ फाइव फाइव विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है इतना समझ आया देखो कहीं पर भी आई डोंड so की ये सॉटेड है कि नहीं है बट जिस ऑप्शन को दिया गया है उस ऑप्शन के विषय में आपको बता सकता हूँ कि हाँ शायद मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मे बी आई विल बी एबल टू फाइंड लोगर्थमिक तो यानी कि मैं इसको बाइन रि सर्च ही मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ आई डोंट हैव एनी अदर सोल्यूशन मेरे पास कोई और सोल्यूशन यहाँ पर नहीं है ठीक है कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो यू नीड अ सॉल्यूशन इस प्रोग्राम जो है वो ही मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि ये चीज़ें आपको समझ में आए तो आई हैव ऑनलाइन कंपाइलर है मैं इसको यूज़ करके आपको आंसर दे देता हूँ यहाँ से ठीक है तो तो दिस इज़ द प्रोग्राम ठीक है ये प्रोग्राम यहाँ पर रहेगा इस प्रॉब्लम को तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कैसे हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो सेम चीज़ यहाँ पर यूज़ करिए यहाँ से कि आपके पास सम नंबर्स आर अवेलेबल ठीक है तो बिट्स को हमने यूज़ किया है और यहाँ पर आप चेक करेंगे कुछ एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए फंक्शन बनाया है यहाँ से और ये जो है उसको असाइन करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया है कि जितने भी जीरोज़ और वन जो है ना वो यहाँ पर गिवन है यानी कि उसकी वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए और फिर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये आपका मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन पे मैंने एक बुलियन एकर ही बनाया है अच्छा ओ हाँ ये भी एक और ऑप्शन है यहाँ पर कि सभी जीरोज़ भी हो सकते हैं ठीक है तो बुल वैल्यूज होंगे यानी कि सारे एक और ऑप्शन है यहाँ पर कि हर एक लोकेशन में मैं एक तरीके से बुलियन वैल्यू ही मैं यहाँ से ले सकता हूँ है ना आई थिंक सी स्टेटमेंट मे बी शायद ये एक रीज़न है लेट ए बी एन आर एव थर्टी वन नंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ अ सिक्वेंस ऑफ जीरोज फॉलोड बाई वन हाँ तो ये एक सेकेंड तरीका है आई थिंक द सेकेंड वे तो आई थिंक टोटली अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम है क्या तो शायद वो स्टेटमेंट थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो इस क्वेश्चन को अगर समझेंगे इसका दूसरा तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ यहाँ से बेसिकली ये जो चीज़ यहाँ पर गिवन है ना ये वाला ठीक है स्टेटमेंट का एक्चुअली स्टेटमेंट मुझे लगता है कि स्टेटमेंट इतनी सही नहीं थी स्टेटमेंट है ना स्टेटमेंट जो थोड़ा सा अलग था मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ कि अब एक्चुअली का दूसरा तरीका क्या है ठीक है तो फिर से समझो यहाँ पर है क्या दूसरा तरीका ये है कि आपके पास ना ये आपके पास टोटल थर्टी वन नंबर्स हैं ठीक है ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव अप टू सो ऑन लास्ट में आपके पास थर्टी है अब जब वो यहाँ पर बोलते हैं कि हमारे पास सम समिकवेंस ऑफ जीरोस और फॉलोड बाय वन ठीक है तो यानी कुछ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपका स्टार्टिंग में बहुत सारे जीरोस होंगे ठीक है और किसी जगह पर आपके पास यहाँ से वन आपके पास इधर आ जाएंगे ठीक है दिस इज़ द ओनली वे यही एक तरीका है जो उसके स्टेटमेंट में यहाँ पर जो दिया गया है ना उसके वजह से स्टेटमेंट का मीनिंग फिर यही है ठीक है तब आप इसको सॉर्ट कर सकते हो उसको सॉर्ट करने के लिए फिर आप बाइनरी सर्च ऑब्वियसली आप यहाँ से यूज कर सकते हो देन यू कैन यूज़ बाइनरी सर्च क्योंकि बाइनरी सर्च तो मैंने ही नहीं किया गया बाइनरी सर्च तो मैंशन ही नहीं किया गया तो so, यानी कि दिस इज़ द ओनली वे तो यही एक तरीका है हम विदाउट यूजिंग बाइनरी सर्च तो स्टेटमेंट शायद जो है वो कुछ इस तरीके से ही रहेगी कहने का मतलब है कि जो प्रोग्राम है मैं प्रोग्राम आपको समझा देता हूँ तो शायद ये मीनिंग जो आपको समझ में आएगी यहाँ पर ठीक है तो समझने की कोशिश करना कि ये स्टेटमेंट है क्या ओके तो सबसे पहले हमने प्रोग्राम को समझो ये आपके पास मेन फंक्शन था और इस मेन फंक्शन पे मैंने एक अरे को बनाया है जो यहां पर बुलियन है राइट इट इज बुल यानी कि कहने का मतलब है कि ये आपके सारी लोकेशंस हैं वहां पर जीरो वन टू थ्री फोर फाइव अप टू सो ऑन वो थर्टी तक सारी वैल्यूज हैं फिर हमने क्या किया है कि हमने एक वैल्यू को यहाँ से लिया है कि फॉर i इज इक्ल टू जीरो आई इज़ लेस देन थर्टी वन आई प्लस प्लस प्रिंट द वैल्यू ऑफ i. तो यानी कि इन सभी की जो वैल्यू है उस वैल्यू को मैंने यहाँ से प्रिंट कर दिया ठीक है प्रिंट करने के बाद अब यहाँ से हमने कुछ असाइनमेंट करी है अब यहाँ से देखोगे कि प्रिंट किया है नेक्स्ट लाइन यहाँ पर आ गई और फिर एक प्रॉप्स दिखा रहा है कि टोटल कितने प्रॉप्स यहाँ पर आ रहे हैं और फिर हमने फॉर लूप ले लिया और फिर लौ, फुल से क्या हो रहा है आपके पास कि इंटीजर ज़ीरोज़ इज इक्वल टू रैंड थर्टी टू कहने का मतलब है कि रैंड थर्टी थर्टी टू का मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू होगी वो जीरो से लेकर थर्टी वन तक ही रहेगी वो थर्टी टू के बाद वो रुक जाएगी फाइन फिर ये नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास दैट इज़ असाइन ए ज़ीरोज़ ठीक है यानी कि हम इस लोकेशन पर हम स्टार्टिंग में कहीं पर आपके पास जीरोज़ हो सकती हैं जैसे वी कैन हैव सम जीरोस कुछ जीरोस आपके पास है और उसके बाद कहीं पर फिर आपके पास यहाँ पर सिर्फ वंस हैं ठीक है ठीके? तो ये कितने भी ज़ीरो हो सकते हैं हमें हाँ नहीं पता कितने भी हैं ऐसा भी हो सकता है जीरो ज़ीरो भी हैं या फिर नंबर ऑफ़ जीरोस आपके पास थर्टी भी हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है फिर इस एलिमेंट पे एलिमेंट uh, को वैसे शॉर्ट कर दिया ताकि सेम चीज़ को यहाँ पर इस ऑर्डर पर आ जाए इस ऑर्डर पर एलिमेंट यहाँ पर आ गया और फिर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए फिर बाइनरी सर्च को यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ अगर थोड़ा सा आगे इधर जाएंगे ना इधर तो यहाँ पर आप देखोगे तो हम इसको बाइनरी सर्च हम लोग करेंगे तो बाइनरी सर्च के बाद फिर हम देखेंगे कि टोटल इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी बिकॉज बाइनरी सर्च है तो वो uh, इस टाइम को यहाँ से देखेगा दैट इज़ लॉग इन तो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम क्या है फिर आपको यहाँ से समझ में आएगा आई थिंक शायद मेरे अंदर एक गलती रही होगी शायद दिस इज़ माई मिस्टेक मेरी गलती है तो मैंने अगर कुछ गलत बोला है तो उसको ठीक कर लीजिए तो शायद मुझे ये स्टेटमेंट जो है ना वो मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं आया था ठीक है ये शायद ये एक रीज़न था इसका बट आप इसको करेक्ट कर सकते हो आप यानी यू कैन करेक्ट इट आप इसको करेक्ट कर सकते हो कि वो यहाँ पर क्या पूछा गया है तो यही है ठीक है तो दैट इज़ बाय द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर डी डी इसका सही आंसर होगा ठीक है तो इसका एक कंपायलर भी है कंपाइलर करके दिखाता हूँ यहाँ से तो सेम कम्परिजन्स जो है ना वो यहाँ से आप इधर देख सकते हो दिस अनदर वे ठीक है तो उसका कोड जो है यहाँ से देख ही सकते हैं यहाँ से तो सबसे पहले वो मेन फंक्शन को ले लिया पहले बताया कि आपका अरे का वैल्यूज़ यहाँ पर क्या है स्टार्टिंग में आपके पास जीरोज़ हैं उसके बाद आपके पास वन वन है और फिर डायरेक्टली इसको बाइनरी सर्च को आप यूज़ करो और बाइनरी सर्च के आपके पास निकल जाएगा कि टोटल इसकी लोकेशंस क्या है और इसकी मतलब लोकेशन कितनी बार इसको हमें ट्राई करना पड़ा दैट्स इट तो यहाँ से भी आप इस काम को देख सकते हो ठीक है फाइंडिंग द लोकेशंस ऑफ एलिमेंट्स विद वन वैल्यू इज विच आज द फॉलोइंग अगर आपके पास एक एलिमेंट है ठीक है उसको हम इसकी लोकेशन बता रहे हैं कि वो एलिमेंट कहाँ पर है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं सो करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी बी इसका सही आंसर है दैट इज़ हम इस प्रोसेस को बोलते हैं सर्चिंग हम लोग ये देखना चाहते हैं कि पूरे अरे के अंदर जो अरे है उसके अंदर कौन जो लोकेशन कहाँ पर है वो आइटम्स कहाँ पर है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सर्चिंग ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑफ फॉलोइंग सॉर्टिंग प्रोसीजर इज द स्लोएस्ट वन आपके जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है उसमें से सबसे स्लोएस्ट कौन सा है नंबर ए दैट इज क्विक सॉर्ट ऑप्शन नंबर बी इज मर्ज सॉर्ट ऑप्शन नंबर सी इज शेल सॉर्ट एंड डी इज बबल सॉर्ट ओके सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी यस डी जो है वो आपका सही आंसर है बट मीनवाइल लेट मी शूड शेयर विद यू ठीक है एक चीज है मैं शेयर करता हूं यहां से तो बहुत सारी शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है हमारे पास तो उसका जो एग्जाम्पल है यहाँ स्क्रीन पर आप इधर देख भी सकते हैं ठीक है राइट तो जैसे ये जो है वो शॉर्टिंग एल्गोरिथम है विकीपीडिया का पेज है आप इसको देख भी सकते हैं इसके अंदर और सबके कंपेरिजन हैं जो इधर अवेलेबल है ठीक है तो जैसे अगर हमारे पास क्विक शॉट है तो ये जो टेबल है आपको हमेशा याद होनी चाहिए Uh, अगर आप क्विक क्विकसॉट यूज़ करते हैं तो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज एन लॉग इन एवरेज केस इज़ एन लॉग इन एंड द वर्स्ट केस इज एन स्क्वायर और स्पेस जो है वो लॉग इन है और ध्यान देना क्विक शॉट जो है वो स्टेबल नहीं है इट इज़ नॉट अ सॉटिंग इट इज़ नॉट अ स्टेबल एल्गोरिथम दूसरा जो आपके पास है मर्ज शॉट uh, उसकी बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है बेस्ट है दैट इज़ एन लॉग इन इसकी एवरेज जो है दैट इज़ एन लॉग इन और द वर्स्ट है वो भी एन लॉग इन है बट जो स्पेस यहाँ पर आती है दैट इज बिग ऑफ इन और ये जो है वो यहाँ पर स्टेबल है फिर उसी तरीके से अगर आपके पास इन प्लेस मर्ज शॉट है तो यहाँ पर वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है एन लॉक स्क्वायर एन और जो मेमोरी है बिग ऑफ वन होती है और इट इज़ ऑल्सो स्टेबल फिर उसी तरीके से जो नेक्स्ट हमारे पास आता था दैट इज हीप शॉर्ट हीप शॉट में बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एन लॉग इन एवरेज इज ऑल्सो एन लॉग इन एंड वर्स्ट इज ऑल्सो एन लॉग इन एंड द मेमरी इज वन बट इट इज ऑल्सो नॉट स्टेबल ये जो है वो यहाँ पर स्टेबल नहीं है ऐसे इंस में जाएंगे तो बेस्ट, बेस्ट जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज एन और एवरेज इज एन स्क्वायर एंड दर्स्ट इज ऑल्सो एन स्क्वायर जो मेमरी है दैट इज पिक थोड़े से आप आगे जाएंगे यहाँ से तो बहुत सारे शॉर्ट एंकल्स है इवन दो हमारे सिलेबस में इतने सारे शॉर्ट एंडलकॉर्थम नहीं आती हमारे पास थर्टी से ज्यादा है ठीक है तो फिर आपके पास सिलेक्शन शॉर्ट है तो बिग ऑफ जो है आपके पास वर्स्ट बेस्ट एंड एवरेज तीनों केस में एन स्क्वायर है थोड़ा सा आगे जाएंगे आपके पास शेल सॉर्ट है तो शेल शॉर्ट में आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बेस्ट केस दैट इज एन लॉग एन और uh, थोड़ा सा आगे जाएंगे एवरेज केस इज़ एन रेस्ट पावर एन फोर बाय थ्री एंड वर्स्ट केस इज एन रेज पावर थ्री बाई टू ठीक है बबल शॉर्ट तो जो बेस्ट केस है दैट इज बिग ऑफ एन एवरेज इज एन स्क्वायर एंड द वर्स्ट इज ऑल्सो एन स्क्वायर फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे यहाँ से इफ यू गो देर तो आपके पास uh, ये सभी जो है दिस आर कंपेरिजन बेस्ड ठीक है ध्यान देना पहले से गिवन है यहाँ पर ये कंपेरिजन बेस्ड है ठीक है कुछ ओसी हैं जो कंपेरिजन बेस्ड नहीं है जैसे रेडिक सॉल्ट है या फिर बकेट सॉल्ट है उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर दे ऑलरेडी क्लिक गिवन दैट इज नॉन कंपेरिजन बेस्ड जिसमें हमारे पास बकेट शॉट आती है इसलिए हमारे कॉम्पिटिव एग्जाम्स में आते हैं बहुत ज़्यादा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एवरेज जो है हमारे पास एन प्लस वन एन प्लस के वर्स्ट केस इज़ एन स्क्वायर इन टू के और जो मेमोरी है दैट इज़ एन डॉट के ठीक है ऐसे ही फिर आपके पास बकेट शॉट है ठीक है फिर बकेट शॉट था ये भी बकेट शॉट है दोनों फ़र्क क्या है पहला आपके पास यूनिफॉर्म्स की है और दूसरा है इंटीग्रेट कीज इंटीजर्स हैं तो वहाँ पर इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो यहाँ से काफ़ी कम होती है फिर जो कॉम्पिटिव एग्जाम में आता है वो काउंटिंग शॉट तो काउंटिंग शॉट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप यहाँ से देख सकते हैं और फिर आपके पास है रेडिक शॉर्ट तो रेडिक शॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है कई सारे कॉम्पिटिव एग्जाम में रेडिक शॉर्ट भी आपके पास आता है बाकी सब हमें देखने की ज़रूरत नहीं है इवन दो बहुत सारी हैं बट बाकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है जैसे दर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स ठीक है तो इस पेज को देखने के लिए जस्ट विकीपीडिया पेज इस सर्च कर लेना कि शॉर्टिंग एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है तो सबका डेटा आपको यहाँ से मिल ही जाएगा

कुछ वैल्यूज लेते हैं जैसे फोर थ्री टू थ्री वन एज वेल एज जीरो एंड वन ठीक है ये आपके पास एक डेटा यहाँ से गिवन है अब जब इस एलिमेंट को हम सॉर्ट करते हैं तो एलिमेंट क्या मिलेगा आपके पास जीरो वन टू थ्री थ्री एज वेल फोर बट द थिंग इज स्टेबल का मतलब क्या होता है कि ये जो नंबर है जैसे यहाँ पर भी थ्री है और यहाँ पर भी थ्री है ये किस लोकेशन पे आएगा अगर मैं इसको एक नाम दे दूँ जैसे इसको थ्री एक्स है और ये आपके पास थ्री वाई है अगर डेटा आप शॉर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर यह थ्री एक्स इस तरफ आना चाहिए और थ्री वाई इस तरफ होना चाहिए तब बोलेंगे कि जो शॉर्टिंग एल्गोरिथम है वो यहाँ पर स्टेबल है लेकिन अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है कि सेम डेटा आपके पास है डेटा शॉर्ट किया आपने ज़ीरो वन टू थ्री थ्री एंड फोर और ऐसा हो रहा है कि इंस्टेड ऑफ़ एक्स यहाँ पर आपको पहले वाई मिल गया और यहाँ पर आपके पास एक्स मिला ये वन तो डेटा सॉर्ट हो रहा है लेकिन इसका जो ऑर्डर है वो यहाँ से मेंटेन नहीं हो रहा कि कौन पहले आया था कौन बाद में आया था तो उसको हम बोलते हैं कि ये जो एल्गोरिथम है इट इज नॉट स्टेबल इसको बोलते हैं अनस्टेबल तो यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास सेलेक्शन शॉर्ट और क्विक शॉर्ट बोथ ऑफ देम आर नॉट स्टेबल दोनों जो है यहाँ पर स्टेबल नहीं है ठीक है बोथ ऑफ देम आर नॉट स्टेबल चलो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन

द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी बी इसका सही आंसर है दैट इज मर्ज शॉर्ट ठीक है ध्यान देना थोड़ी देर पहले अब तो बताया था तीनों केस में हमें यहाँ पर यूज करना है वट इज द बेस्ट केस द सेकेंड वन इज योर एवरेज केस एंड थर्ड वन इज योर वर्स्ट केस तो इन सच शॉर्ट बेस्ट केस जो है बिग ऑफ एन है एवरेज केस इज एन स्क्वायर एंड द वर्स्ट केस इज बिग ऑफ एन स्क्वायर दूसरा है मर्ज शॉर्ट बेस्ट केस इज एन लॉग एन एवरेज इज ऑल्सो

वो है आपके पास दैट इज मर्ज शॉर्ट तो मर्ज मर्जॉर्ट फिल्ड करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी बी इसका सही आंसर होगा ओके नेक्स्ट डैश सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैज द लोएस्ट वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें से कौन सी ऐसी जिसका वर्स्ट केस में इसकी लोएस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है किसकी है कौन सी है इसके अंदर डैश सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैज द लोएस्ट वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये सेम डेटा ही है सेम डेटा ही मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा ठीक है तो थोड़ा सा पहले अगर आपको याद होगा तो बस डेटा यहाँ से शेयर किया अलग अलग था यहाँ से ठीक है तो द करेक्ट आंसर यर इज़ योर मर्ज शॉर्ट क्योंकि मर्ज शॉर्ट में वर्स्ट केस जो है उसका वो एंड लॉग इन है ठीक है क्विक शॉर्ट इज एंड स्क्वायर एंड द बबल शॉर्ट इज एन एन स्क्वायर एंड सिलेक्शन शॉर्ट इज़ ऑल्सो एन स्क्वायर द करेक्ट आंसर याज़ ऑप्शन नंबर सी दैट इज मर्ज ओके कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्रिस्कल्स एल्गोर्थम फॉर फाइंडिंग द मिनिम स्पेनिंग ट्री फॉर एन अनडाइड ग्राफ कंटेन्स एन वर्ट एंड टोटल एम एज इफ दर सॉटेड इज डैश तो कौन सा इसका सही आंसर है फिर से देख लेते क्वेश्चन के अंदर फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्रिस्कल्स एल्गो फॉर फाइंडिंग द मिनिमम स्पेनिंग ट्री फॉर अनडेड ग्राफ अगर आपके पास एक क्रिस्कल्स एलगोर्थम है और हमें फाइंड करना है वट इज द मिनिम स्पेनिंग ट्री

लेट लेट मी मी सी आई थिंक ये जो है गेट में पहले आया था ये गेट टू नाइनटीन नाइनटी टू में क्वेश्चन हमारे पास पहले आया था ठीक है वो क्वेश्चन इस तरीके से नहीं था वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था बट uh, ये सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन यहाँ पर आया था ठीक है तो अगर इस क्वेश्चन में देखने की कोशिश करेंगे दो इंपॉर्टेंट पार्ट है जब आप क्रॉस्कल से एलकॉर्थन हमारे पास आती है तो पहले दोस्त क्विक जो मैं इसके अल्कॉर्थन दिखाता हूँ पहले आपको ताकि समझ पाए ठीक है तो ये जो है आपके पास आई शो यू आई शो डोंट वरी तो सबसे पहले आप समझो कि हमारे पास एक क्रिस्कल सेलगोर्थम है ठीक है अब क्रिस्कल सेल्गोर्थम में और प्रेम सेल्गोर्थम में फर्क क्या होता है डिफरेंस क्या होता है डिफरेंस ये होता है कि जो सबसे छोटी वैल्यूज है ना हम उसको सेलेक्ट करते हैं जैसे अगर ये आपके पास एक ग्राफ है इस ग्राफ में क्या होता है कि जो सबसे छोटी जो एज है वो हमें यूज करेंगे रैंडमली कोई भी यूज करो जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने यूज़ किया क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू थी फिर हमें क्या करेंगे फिर दोबारा से सबसे छोटी वैल्यू को लेंगे जो कि आपके पास यहाँ पर एन को फाइव को ही रिप्रेजेंट कर रहा है फिर उससे जो बड़ी वैल्यू आएगी यहाँ से इसके बड़ी वैल्यू हो गया आपके पास दैट इज सेवन सो आइदर आई कैन यूज़ या तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ या फिर मैं फिर उसके बाद इसको मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ फिर इससे बड़ी जो वैल्यू हो गया आपके पास आई थिंक uh, इससे बड़ी वैल्यू सेवन की जगह पर सिक्स है अगर आप चेक इट हेयर तो सिक्स जो है वो यहाँ पर वैल्यू है और सिक्स के बाद फिर आपके पास वैल्यू सेवन आ रहा है और यहां पर भी आपके पास सेवन है ठीक है अब उसके बाद हम लोग क्या करें कि हमें सबसे छोटी वैल्यू को ही हमें यूज करना है तो ये जो है ये आपके पास इदर, आपके पास पास इधर आएगा तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड कि आपका एल्गोरिथम पर क्या है है ठीक तो कि कैसे काम कर रहा है अब इमेजिन करो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है अगर थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करोगे इन्होंने यह बोला हुआ है कि फाइंडिंग द मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ ग्राफ विद वर्टिसेस एजेस द एजेस आर शॉर्टेड ये जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन्होंने बोला है कि जो भी आपके एजेस हैं उसको हमने सॉर्ट किया हुआ है तो यानी कि अगर वो पहले से ही सॉर्ट किया हुआ है तो हमें इस जो भी हम लोग यूज करें जैसे हीप सॉर्ट से हम लोग इस एलगोर्थम को यूज़ कर सकते हैं राइट मल्टीपल वेज बहुत सारे तरीके हैं कि उसकल सेलगोर्थम को यूज़ करने के लिए आप मिन हीप को भी यूज कर सकते हैं या फिर आप पहले एलिमेंट को शॉर्ट करो और शॉर्ट करने में उसके बाद जो सबसे छोटी वैल्यू है हमें यहाँ से उसको यूज करना है ठीक है बट द ओनली थिंग इज हमें बस ये चेक करना था कि हमारे पास कोई लूप है या फिर नहीं है तो जनरली क्या होता है कि जब भी हम इस एल्गोरिथम को हम देखते हैं तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पर अवेलेबल है ठीक है क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर ही आप इसको समझ पाएंगे तो जैसे यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ठीक है तो द सेट एम एट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है मैं इसको थोड़ा सा और बेटर तरीके से दिखाता हूं क्योंकि अब लिंक कुछ है तो, मैं हूं तो जैसे फॉर एग्जाम्पल था ना तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहीं पर मैंशन होगा तो ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर गिवन है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास ई मल्टीप्लाइड बाई लॉग ई और मल्टीप्लाइड बाई लॉग वी ठीक है जहां पर ई e बता रहा है कितने हैं और वी रिप्रेजेंट कर रहा है कितने हैं ठीक है अगर वर्ट जो है बहुत कम है और नंबर ऑफ एजेस बहुत ज्यादा है तब अकॉर्डिंगली इसमें से एक वैल्यू को हम लोग यहाँ से चूज करते हैं यहाँ से ठीक है बट इसल्गोर्थो में सबसे बड़ा पार्ट काम क्या होता है कि पहले हमें एलिमेंट को सॉर्ट करना पड़ता है वी हैव टू सॉर्ट दीज एलिमेंट्स पहली लाइन ये है कि हमें पहले इसको सॉर्ट करो और सॉर्ट करने के बाद फिर जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको हमें यूज करना है अब हमारे इस पूरे क्वेश्चन में पहले ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट हमें इस पार्ट को यूज ही नहीं करना दे डिसाइड की डेटा जो है वो पहले से सॉर्टेड है जो भी आपके वर्डसेज हैं जो एजेस हैं जो आपके एजेस हैं वो पहले से ही सॉर्ट की हम सॉर्ट कर चुके हैं तो ऑब्वियसली इस प्रोसेस की इस चीज़ को हमें करने की जरूरत नहीं है हम डायरेक्टली बस ये देखना है कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो अपने नंबर ऑफ ई के बेसिस पर ही होगा और हमें चेक करना है कि इसके अंदर कोई लूप है कि नहीं है और लूप जो है वो प्लस आई थिंक लॉग वी एल्गोरिथम आपके यहाँ से लेगा चेक करने के लिए कि हमारे पास कोई लूप है या फिर नहीं है कहने का मतलब है जब इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं तो उसके मल्टीपल पार्ट हैं पार्ट में दिखाता हूँ फिर से तो आ, जब हम क्रिस्कल्स एल्गोरिथम को यूज करते हैं तो पहला स्टेप क्या है पहला स्टेप यह है कि आप एलिमेंट को आप सॉर्ट करो या तो आप सॉर्टिंग एल्गोरिथम को यूज़ करो या फिर हम मिन हीप को यूज़ करो किसी एक को भी यूज़ कर लो ठीक है फिर उसके बाद जो सबसे छोटी वैल्यू है हम उसको वन टू वन एलिमेंट को हमें पिक करना है और अगर आपके पास टोटल एन एजेस है तो हर एक एजेस को एक एक करके हमें चेक करना पड़ेगा तो जितने भी एजेस हैं उन एजेस को हम एक एलिमेंट एजिस को हम सेलेक्ट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि आपके पास हर एक एज के साथ कि आपके पास कोई लूप है या नहीं है तो उसके लिए आपको लॉग वी टाइम लगता है ठीक है ये चेक करने के लिए कि वो जो है वो Uh, जो है वो आपके पास एक लूप uh, है कि नहीं है तो उसकी जो रेगोर्थम यूज करते हैं दैट इज फाइंड यूनियन ठीक है बट ये जो पहला पार्ट है ये ही सबसे हेल्दी पार्ट था क्योंकि हम जब एलिमेंट को सॉर्ट करते हैं चाहे को, कोई भी रेगोर्थम को यूज करें जैसे आप यू कैन यूज द मिन ही सॉरी दैट दैट सॉर्टिंग रेगोर्थम कोई भी यूज करो जैसे आपके पास एक क्विक uh, सॉर्ट uh, है या फिर यू हैव जो भी सॉर्टिंग रेलॉर्थम थोड़ा पहले हमने मैंशन किया था तो यू कैन यूज एनी वन ऑफ टाइम कोई भी आप यहां पर यूज करेंगे तो ये जो पार्ट है वो टाइम ये चीज जो ने हटा दी वो हटा दी हमें सिर्फ मेजरली इस चीज को फोकस करना है और फिर हमें साथ में ये वैल्यू चेक कर लेंगे कि इसके अंदर कोई आ, लूप है या फिर नहीं है अब वही चीज इस क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया था ठीक है तो इस क्वेश्चन में यही पूछा कि अगर मेरे पास टोटल एन वर्टेस हैं और टोटल एम एजेस हैं तो अगर एजेस जो है वो पहले से ही हमने यहाँ पर सॉर्ट किया हुआ है तो आपका जो टाइम है वो यहाँ से कम हो जाएगा और इट इज़ डिपेंडेंट ऑन कि आपके पास कितने एजेस है क्योंकि नंबर ऑफ एजेस सबसे ज्यादा है ठीक है तो इस केस में सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी बी इसका सही आंसर होगा ठीक है बिग ऑफ ओके आई होप यू अंडरस्टैंड अभिजीत सर एन आई सी नेट में रिपीट होता है क्या टू थाउंड ट्वेंटी थ्री में एन आई सीलेट के पी वाई विल बी अगेन और सिम, देखो, बेसिकली होता क्या है जो भी कॉम्पिटिव एग्जाम है चाहे गेट है चाहे यूजीसी नेट है चाहे है चाहे इसरो की तैयारी करेंगे देखो हमेशा एग्जैक्टली exactly स्टेटमेंट तो नहीं आती बट सिमिलर क्वेश्चन आते हैं सिर्फ उसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं कहने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट तो सेम है अगर आपके पास क्रिस्कल है अगर आपके पास कोई सॉर्टिंग है से कॉन्सेप्ट हमेशा सेम है कॉन्सेप्ट मतलब आपको कभी से ईयर क्वेश्चन की तैयारी नहीं करते आपको करना होता है कॉन्सेप्ट आप कॉन्सेप्ट को पढ़ो क्वेश्चन कुछ भी आ जाए आप इजीली सॉल्व कर पाते हो मतलब यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन कॉन्सेप्ट पहले कॉन्सेप्ट को सॉल्व करो समझो कॉन्सेप्ट को समझने के बाद फिर उसका जो कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप किसी प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिस करने से आपको बेनिफिट यहाँ से मिलता है ठीक है आई होप यू अंडरस्टैंड जेस आर नॉट सॉर्टेड अगर एजेस uh, sorted नहीं है तो वैसे सेम जो नॉर्मल टाइम complexity आती है वो यहाँ पर आएगा उस केस में ठीक है वो सेम यहाँ पर आपके पास इधर निकलती है और जैसे आपने यहाँ पर बताया ना कि ये जो आपने टाइम कॉम्प्लेक्स यहाँ से बताई है रजनी आपने बोला है बिग ऑफ ई प्लस लॉग बी आपने यहाँ से बोला है, है ना तो इसमें ध्यान दो ना कि इन द वर्स्ट केस वर्स्ट केस में जो आपकी नंबर ऑफ वी जो है दैट इज इक्विन टू ई ठीक है कहने वाला है कि जनरली जब ग्राफ बनाते हैं ग्राफ के अंदर वर्ट हमेशा कम होते हैं और एजेस मोस्ट ऑफ टाइम्स वो बहुत ज्यादा होते हैं ठीक है अगर आपके एजेस बहुत ज्यादा है तो हम वो ई e के इक्वल रहता है ठीक है इन द वर्स्ट केस वो वर्स्ट केस होता है कि जहां पर वी की जगह पर वो ई e होगा तो आपको ई प्लस लॉग ई के आसपास होगा और इन दोनों में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कौन सी आपके वो सिर्फ ई e है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बिग ऑफ ई ही आपके पास यहाँ से निकलेगा ठीक है आई होप यू अंडरस्टैंड प्रिया सर एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए स्टडी को कितना टाइम दें जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा है क्योंकि ये कॉम्पिटिव एग्ज़ाम है और कॉम्पिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं और कुछ जो है वो अभी फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन शुरू करी है कॉम्पटिशन है ठीक है और कॉम्पटिशन में लोग मेहनत करते हैं कुछ लोग बहुत अच्छी मेहनत करते हैं कुछ लोग नहीं करते बट कहने होता कहने होता क्या है कि कॉम्पिटिव एग्ज़ाम है जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाए उतना अच्छा है एक है एटलीस्ट एक बैलेंस तो लो एटलीस्ट आठ नौ घंटे तो पढ़ो हर दिन बाकी टाइम अपने लिए अपनी हेल्थ के लिए फोकस करो अपने फैमिली के साथ को स्पेंड करो बट अगर मिनिमम टाइम तो कुछ नहीं हो सकता मैक्सिमम ज्यादा टाइम है जितना मिल जाए उतना अच्छा है जितनी ज़्यादा तैयारी करोगे मेहनत करोगे उतना अच्छा है नेक्स्ट टू मेन रीजंस ऑफ एल्गोरिथम्स आर अब ये सर एन आई सी नेट में डायरेक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आते हैं हाँ आते हैं ऐसा नहीं है हमेशा मतलब ऐसा नहीं लास्ट तीन सालों से ही ऐसा हो रहा है पहले नहीं होता था इतना ज़्यादा जनरली क्या होता है कि ना क्वेश्चन जो है वो सिमिलर आते हैं हर एग्ज़ाम से आपको सिर्फ गेट के क्वेश्चन फोकस नहीं करना उसके अलावा आपको यूजी के क्वेश्चन भी यहाँ पर आते हैं ठीक है गेट के जो पहले पुराने क्वेश्चन थे नाइनटीन नाइनटी टू के क्वेश्चन थे नाइनटीन देखो टू थाउजेंड फोर्टीन टू थाउजेंड फिफ्टीन के बाद ना सिलेबस चेंज हुआ था गेट का बट उससे पहले हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सिलेबस आता था गेट टू थाउजेंड थर्टीन जब मैंने पहली बार गेट एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ पर आई का सिलेबस आता था उसके अलावा वहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आता था और वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है ना अब वो यहाँ पर नहीं आता अब वो नहीं आता यहाँ पर है ना बट हाँ वो जो उस टाइम के जो क्वेश्चंस थे वो एन आई नेट के अंदर आ रहे हैं जूडिस नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो नीलेट के अंदर आ रहे हैं इसरो के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो नीलेट में आते हैं बेसिकली क्या होता है कि जो बेंच है ना बेंच मार्क जिसको बोलते हैं बेंच मार्क उन सबका बेंच मार्क तो समझ सेम है ना उस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे तो उस टाइम के क्वेश्चन जो भी एग्जाम है उनके जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसकी आपकी तैयारी करनी है यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल ऑफ एग्जाम्स बेसिकली क्या होता है जब आप एक एग्जाम क्लियर नहीं करते आप हर तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन आप करते हो आप सिर्फ एक एनआईसीड की तैयारी नहीं करोगे बट जो चीज़ें आपने पढ़ी है जो गेट का सिलेबस आपने पढ़ा है उस सिलेबस की वजह से आपका एनआईसीड का एग्जाम क्लियर होगा उस एक एग्ज़ाम की वजह से आप साइंटिस्ट के बहुत सारे वैकेंसी बार्ख की वैकेंसी आती है इसरो की आती है है ना ऐसी बहुत सारी वैकेंसी आती रहती है ऐसा नहीं, नहीं आती आती हैं इवन कई लोगों ने पी जी कंप्यूटर साइंस की देखी होगी पी जी कंप्यूटर साइंस का जो कॉन्सेप्ट तो सेम है ना बस लेवल ऑफ क्वेश्चन का फ़र्क आता है अगर आप एक डिफ़िकल्ट लेवल को ही आपने टच कर लिया है तो ईजी वाला करना आपके लिए ईजी होगा दो बजे पीजी कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए गवर्नमेंट जॉब चाहिए आपको तो गवर्नमेंट जॉब तो हर जगह पर आ रही है इस वह पर रिसेंटली एक वैकेंसी आ रही थी जहाँ पर पीजीडी कंप्यूटर साइंस की वैसे के वी एस पी जी टी का एग्जाम होता है डी टू प्लस भी पी जी डी कंप्यूटर साइंस का एग्जाम होता है अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है जहाँ पर सेवन हंड्रेड ज्यादा वैकेंसीज हैं और वहाँ पर कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी दो सौ के आसपास है वहाँ पर भी आपके पास कॉन्सेप्ट तो सेम है ना यू शुड नॉट फोकस ऑन जो क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन पर फोकस मत करो फोकस करो कॉन्सेप्ट के ऊपर कॉन्सेप्ट सॉलिड है कॉन्सेप्ट आपको अच्छा है, तो हर एक क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं जो नया क्वेश्चन भी आ जाएगा आप तो इजीली उसको सॉल्व कर सकते ठीक है ठेके? चलो आगे बढ़ते हैं टू मेन रीजंस फॉर एक जो, again, of of जो, जो है उसके मेन रीजन होते हैं किसके ऊपर होते हैं दो चीज हम यूज करते हैं ऑप्शन नंबर सी टाइम टाइम एंड स्पेस स्पेस और ही हम लोग यहाँ से यूज करते हैं नेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग ओ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग द बिग ओ इज इंपॉर्टेंट इज ऑफ बिग ऑफ ये सर मैंने गेट 2011 11 से 2023 थाउजेंड सॉल्व किया उससे पहले भी पिक करो टू uh, से अब तक सिर्फ uh, 2011 से नहीं 1992 से लेकर 2023 तक वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं ठीक है क्योंकि प्रीवियस ईयर कोश्चन्स आते हैं आपने सिर्फ पहले को भी सॉल्व करना पड़ेगा और एक एक और कोशिश करना कि जो गेट के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आई के जो क्वेश्चन आते हैं वो गेट के पुराने क्वेश्चन थे अगर कहीं से मिल जाए तो आप उसी क्वेश्चन को सॉल्व करें ठीक है वो मिल जाता है आपको वो क्वेश्चंस भी यहाँ पर आते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग ओ इज इंपॉर्टेंट ऑफ इज बिकॉज ऑप्शन नंबर ए इट कैन बी यूज टू डिसाइड द बेस्ट एलगोर्थम दैट सॉल्व अ गिवन टाइम ऑप्शन नंबर बी इट इज अ लोअर बाउंड ऑफ द ग्रोथ रेट ऑफ द ऑप्शन नंबर सी इट डिटरमाइंस द मैक्सिमम साइज ऑफ अ प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व इन अ गिवन टाइम ऑप्शन नंबर डी इज बोथ ए एज वेल एज बी इसका सही आंसर क्या है और ध्यान देना ये वो जो क्वेश्चन जो हाँ देखिए गेट में तो नहीं आया था अबला क्वेश्चन बट सो द करेक्ट आंसर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ए जो है uh, सही आंसर है सो ए इज द करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर ओके द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ बिग ओ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ ऑप्शन नंबर ए ए इसका सही आंसर है ठीक है इट कैन यूज टू डिसाइड द बेस्टम दैट सॉल्व द प्रॉब्लम ठीक है तो ए इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट एफिशियंट एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ कनेक्टेड कॉम्पोनेट्स इन एन ग्राफ एन एन वर्ट एन एम एजेस हैज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑफ द फॉलोइंग तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी सी इसका सही आंसर होगा दैट इज एम प्लस एन थी टन तो सी इज द करेक्ट आंसर डी इसका सही आंसर नहीं है ठीक है

एंड एम टू इज़ जी एन दैन द ऑर्डर ऑफ एलकॉर्थम इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग एंडम इज मेड अपू मॉड्यूल्स एम वन एंड एम टू इफ़ द ऑर्डर ऑफ एम वन इज़ एफ एन एंड एम टू इज जी एन दैन द ऑर्डर ऑफ एलकॉर्थम इज ऑप्शन नंबर ए इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए है यानि कि हमें मैक्सिमम को देखते हैं देखो तो बहुत सिंपल सी चीज़ है अगर मेरे पास एक फंक्शन है एफ एन जिसके टाइम कॉम्प्लेक्स के आपके पास एन स्क्वायर प्लस थ्री uh, एन प्लस uh, वन लाख यहाँ पर अवेलेबल है और दूसरा एक फंक्शन है जहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा है जैसे टेन लैक्स ठीक है इस तरीके से टेन लैक्स एन प्लस मे बी टेन रेज पावर टेन तो इन दोनों में से आ, किसका फंक्शन बड़ा है तो उस केस में यू कैन से इफ आई से फंक्शन एन प्लस फंक्शन जी एन तो इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर वो बिग ऑफ एन स्क्वायर ही यहाँ से निकलता है

टी एन डिनोट द नंबर ऑफ टाइम्स द लूप एग्जीक्यूट द प्रोग्राम विच द फॉलोइंग ट्रू कौन से स्टेटमेंट जो है वो यहां से ट्रू है so the here is number, बता दें द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी बी इसका सही आंसर है ठीक है ध्यान देना दो इंपॉर्टेंट चीजें यहां से uh, सबसे हम इस लोअर uh, बाउंड हम यूज करना यानी कि ओमेगा यानी कि लोअर बाउंड तो लोअर बाउंड का है कि कम से कम कितना एग्जीक्यूट करेगा जैसे कुछ प्रोग्राम को समझने की कोशिश करो कि हमने एन की वैल्यू को दिया फिर हम चेक कर रहे हैं फॉर आईज गो टू टू आई इज़ स्क्वायर रूट ऑफ़ एन एंड है और यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि अगर एन मॉड आई की वैल्यू अगर आपके पास ज़ीरो है तब आप यहाँ से रिटर्न कर दोगे अदरवाइज नहीं करेंगे ठीक है और ये लूप है हमारे पास तो यानी कि अगर मैं कुछ ऐसी वैल्यू को यहाँ से लेता हूँ जहाँ से एन मॉड आई यहाँ पर आपके पास आएगा अगर मैं इफ़ आई से इफ़ द वैल्यू ऑफ एन जो है वो आपके पास मे बी थाउजेंड है और लेटर सपोज़ आई की वैल्यू है वो आपके पास टू है तो ये जो स्टेटमेंट है आपके पास वो होगा आपके पास थाउजेंड मॉड टू और ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर ट्रू होगा और जैसे ही ये ट्रू होगा तो हम इससे बाहर निकल जाएंगे ठीक है तो इसी वजह से आपको यू नो दिस इज़ ओमेगा वैल्यू यहाँ पर आती है यानी कि ओमेगा ऑफ वन यहाँ से निकलता है दैट इज़ लोअर बाउंड और सबसे बड़ा बाउंड यानी कि सबसे ज़्यादा कितना एग्जीक्यूट होगा सबसे बड़ा तब एग्जीक्यूट होगा जब ये लूप मैक्सिमम टाइम्स यहाँ से चल रहा है यानी कुछ ऐसी वैल्यू है जो हमेशा स्टेटमेंट को फॉल्स कर रहा है सम्भव कोई वैल्यू होगी जो यहाँ से फॉल्स होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से द वैल्यू ऑफ एन जो है वो आपके पास होगा मे बी आई कैन फाइंड अ वैल्यू एज़ मे बी थाउजेंड में भी ठीक है मैं थाउजेंड लेता हूँ और या फिर थाउजेंड वन ले लिया और आई की वैल्यू मैंने यहाँ से वन दे दिया है ठीक है तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है आपके पास क्या आएगी तो मैक्सिमम लाइन कितनी बार चलेगा ठीक है और कितनी बार करेगा जितना एंड रूट टाइम्स एंड रूट ऑफ एंड टाइम्स ठीक तो है तो यानी कि जो बिग ऑफ आएगा यहाँ पर अंडर रूट ऑफ एन यहाँ पर आपके पास आएगा इसी वजह से सही आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी बी इसका सही आंसर है ओके okay? ओके uh, okay, ये हो चुका है ये ओके व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्स टी द फॉलोइंग फंक्शन ये फंक्शन है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्स आपको मुझे बतानी है सो द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी सी इसका सही आंसर है फ्रॉम अभिजीत ठीक है ध्यान दो कैसे उसको सॉल्व कर सकते है? wrong, okay? हैं यस्टरडे हाउ ओमेगा वॉज रॉन्ग ओके देख लेते हैं तो जैसे इसको देखने की कोशिश करेंगे यहाँ से i की वैल्यू जो है आपके पास वन है और हमें चेक करना है जब तक कंडीशन यहाँ पर ट्रू है ठीक है तो ध्यान देना ये हमें चेक करना है कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा अगर यहाँ पर जाएंगे i इज टू वन तो हम इस स्टेटमेंट पर जाएंगे और ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा लूप ये होगा हमारे पास दैट इज़ लॉग वन टाइम्स नेक्स्ट टाइम फिर हम वापस जाएंगे इधर दोबारा से आई की वैल्यू आपके पास टू आएगा तो ये दूसरा लूप कितनी बार चलेगा वो लॉग टू टाइम्स फिर आपके पास आई की वैल्यू अगर आपके पास थ्री है, तो कितनी एक बार एग्जीक्यूट एक एक होगा लॉग थ्री टाइम्स उन सबको आप चेक करोगे अगर आपके पास आई की वैल्यू एन है तो आपके पास लॉग एन टाइम्स एग्जीक्यूट होगा तो सबको ऐड कर लो यानी कि आपके पास वैल्यू आएगी दैट इज लॉग वन प्लस लॉग टू प्लस लॉग थ्री अप टू सो ऑन लॉग एन ये वैल्यू आपके पास आएगी और यानी कि किसको रिप्रेजेंट करेगा दैट इज लॉग वन मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई अप टू सो ऑन एन

ऑफ़ द एलगोर्थम वुड बी आपकी जो एल्गोर्थम है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सटी मुझे बतानी है अगेन कंसिडर दल्गोर्थम दैट सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ साइज एन आपके पास एक एल्गोर्थम है जहाँ पर इनका साइज एन है और एक हमें उसका टू सब प्रॉब्लम्स को हमें सोल्व करना है जहाँ पर एन माइनस वन टाइम यहाँ पर लगेगा देन कम्बाइनिंग दॉल्यूशन उसको कम्बाइन भी करना है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सटी यहाँ पर रही होगी और द करेक्ट आंसर है जो है वो इस सभी में से अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि द करेक्ट आंसर है इस ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर दैट इज़ टू रेज पावर एन टाइम यहाँ पर लगेगा तो यहाँ से ए बी सी डी ये सारे गलत है तो ई e जो है वो इसका सही आंसर है देखो मुझे लगता है कि आप लोगों ने मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की क्लासेस आपने नहीं देखी है तो मैं आपको ना एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ तो उस लिंक को आप चेक कर लेना ठीक है तो लेट मी शो यू तो मेरा इसके ना एक वीडियो है मेरे पास तो मेरे स्क्रीन पर आप शेयर किया मैंने यहाँ से ठीक है तो पहला जो वीडियो है ना ये वीडियो है जो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो ठीक है इट्स वेरी गुड वीडियो और इस वीडियो को आप देखना पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है और लगभग सिक्सटी थ्री थाउजेंड ज़्यादा व्यूज रहे हैं इसके अंदर तो बहुत अच्छा वीडियो है इसके अंदर ठीक है कमेंट्स भी बच्चे हैं बच्चों के बेस्ट ले बेस्ट लेक्चर्स फॉर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लाइफ चेंजिंग वीडियो है ना रियली गुड लेक्चर्स है ना एक्सिलेंट लेक्चर्स तो ये एक वीडियो है ये बहुत अच्छा चला है ठीक है और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा तो लगभग साढ़े छः घंटे की क्लास है सिक्स पॉइंट सिक्स आवर्स एंड ट्वेंटी मिनट समथिंग तो सब कुछ ऐसेम टॉटिक और सब कुछ यहाँ से गिवन है तो इसको आप यहाँ से देख सकते हो ओके और थोड़ा सा आप यहाँ पर भी जाएँगे ये भी एक वीडियो है ये भी बहुत पुराना वीडियो है ये भी मेरा इससे शायद एक लाख से ज़्यादा व्यूज़ है आई थिंक दो लाख होने वाले हैं इसके अंदर भी पाँच साल पहले बनाया था तो यहाँ पर भी जो है तो कमेंट इसके बहुत अच्छे हैं बच्चों के ठीक है तो ये जो है आप इधर देख सकते हो इसके अंदर ठीक है कमेंट आप देख लोगे यहाँ से नाइसली एक्सप्लेन वगैरह वगैरह और थोड़ा सा फाइनली गॉट अ परफेक्ट लेक्चर्स वगैरह वगैरह तो ये वीडियो है आप यहाँ से इसको देख सकते हो ठीक है इट्स ऑल्सो वेरी गुड वीडियो ये कभी ऐसे ऐसी मस्ती करता मस्ती के टाइम पर वीडियो बनाया था बट आई थिंक यू कैन ऑल्सो सी द कॉन्सेप्ट ठीक है कॉन्सेप्ट यहाँ से यूज़ कर सकते हो ठीक है इट्स अ वेरी गुड लेक्चर ठीक है अशर अशेयर व्यू डोंट वरी आपको मैं शेयर कर दूंगा यहाँ से तो इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करो इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास रिकर्जन uh, जो यहाँ पर आ रही है तो रेकरेंस आ रही है तो रेक्रेंस के बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे तो यानी कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसको टाइम लगेगा अगर प्रॉब्लम का साइज़ टी एन है तो हमने क्या किया इसको दो सब प्रॉब्लम से सॉल्व किया जहाँ पर आपको एन माइनस वन उसका साइज़ होगा यानी कि एक साइज़ हो जाएगा टेन माइनस वन दो टाइम लगेगा एन माइनस वन और फिर इनको कंबाइन करना है और कंबाइन करने के लिए आपको कोई भी अलगोर्थम यूज़ किया है कम्बाइन में वैसे तो बिग ऑफ एन टाइम यहाँ से लगता है मर्ज सॉर्ट करने के लिए ठीक है बट सॉल्व उसकी टाइम कॉम्प्लेक्स यहाँ पर मैंशन नहीं है तो मैं इसको एज ए कॉन्सटेंट की तरह एज्यूम कर रहा हूँ ठीक है सिम्प्लिसिटी के लिए तो अगर आप चेक करोगे इस केस में भी तो एक कुछ रिलेशन निकलेगा दैट इज़ टू इंटू टी एन माइनस वन प्लस सी ऐसा कुछ रहेगा वैसे तो सी की जगह पर बिग ऑफ एन यहाँ से यूज़ करेंगे बट इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो टू रेज पावर एन के आसपास रहेगी ठीक है तो जो भी किसी ऑप्शन से मैच नहीं करेगा सो द करेक्ट आंसर इज टू रेज पावर एन द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है बाय द वे नॉट अ प्रॉब्लम इसका एक वीडियो का लिंक जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा यू कैन वॉच दैट उसमें सब कुछ अवेलेबल है काफ़ी अच्छा वीडियो है और सब सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए ठीक है और एज ऑफ नाउ वीडियो जो है अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज प्लीज़ प्लीज सिम हेम्बल रिक्वेस्ट प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स